हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। तो जैसा कि आपने पिछली हमारी क्लास देखी थी, वो जीके क्लास थी, और पिछली क्लास में हमने बात करी थी पंचायत राज व्यवस्था के बारे में। आज की क्लास हमारी जो होगी वह एक संविधान के टॉपिक पर होगी और टॉपिक होगा हमारा राजभाषा। ठीक है, राजभाषा मतलब भारत की भाषा। ठीक है, भारत की राज्य भाषा। पहले मैं एक बात बताऊं, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की केवल राजभाषा है और वो भी है हिंदी। पहला क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो भी आप एक काम कीजिए, नोट्स ले लीजिए, एक A4 साइज पेपर ले लीजिए, और यार जैसे भी आपका मन आप ऐसा ले लीजिए, मतलब लिखना आप चालू कर दीजिए। ठीक है, कुछ मेरी बात सुनो, कुछ आपको चीज़ें याद होंगी, कुछ आपको लिखनी है। ठीक है, चलो भी करते हैं फिर वीडियो की शुरुआत। ठीक है, वन बाय वन चलो जी। तो भाई सबसे पहली बात करता हूँ मैं भाग 17। ठीक है, संविधान तुम्हें बताओ भाग सूची अनुच्छेद बटा हुआ है, भाग 17 और अनुसूची 8। ठीक है, भाग 17 और सूची 8 में भारतीय में जितनी भी राजकीय भाषा है सबका जिक्र करा गया है, और कितनी भाषा है? 22, याद रखिए 22 भाषा हैं। ठीक है, नोट्सन के अनुसार मैं आपको बता दूं तो नोट्स मेरे क्या बात बोलते हैं कि संविधान का भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मतलब भाग 17 के अनुच्छेद 343 के तहत यह कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जिसे लिखने की स्टाइल देवनागरी होगी। बिल्कुल क्लियर बात है जी, बिल्कुल जी। पहला पॉइंट हमारा होगा क्लियर, भाग 17। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344, अच्छा जी, अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा का ही विवरण दिया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद बताइयों? 343 से 351 तक। अब क्या क्या है जो मेन मेन पॉइंट है उनमें मैं आपको बता ही रहे हूँ। चलो जी करते हैं शुरुआत। तो आर्टिकल 343 ने तो ये बात कह दी, आर्टिकल 343 ने ये बात कहेगी कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिखने की स्टाइल वाद देवनागरी होगी। क्लियर अभी बात? ठीक है जी। अब मैं आता हूँ आर्टिकल 344 पे। आर्टिकल 344 यह बात कहेगा कि भारत में यदि राष्ट्रपति चाहवे तो कोई भी भाषा आयोग बना सकता है। तो यार क्वेश्चन बन सके कि बताइए राजभाषा आयोग किस संविधान अनुच्छेद के तहत बनाया जा सकता है या कौन बना सकता है? राष्ट्रपति बना सके है 344 के आर्टिकल के अनुसार। और याद रखिए 1955 में राष्ट्रपति ने एक आयोग बनाया भी है। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष से बीजी खेर। कौन है? बीजी खेर। ठीक है भाई, 344 यह बात कह रहे हैं कि आयोग बनाया जा सके है, और 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया भी है जी। जाने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, जरूरत ना है रिपोर्ट की, बस आप याद रखो कि राजभाषा आयोग। ठीक है भी, अच्छा जी। अगला क्वेश्चन है कि 22 भाषाएं जी, 22 भाषा हैं। तो मैं बता दूं संविधान जब से आपका लागू हो तब 8 ही भाषाएं, सब 14 भाषाएं। अब 8 अब जुड़ी हैं, 8 बाद में जुड़ी हैं। अब देखो आप मुझे एक बात कहो, जब भाषा जुड़ी होंगी तो संविधान संशोधन हुए होंगे, जब तो जुड़ी होगी। ठीक है यार, ये पूछे जा रहे हैं कि कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो मैं बता रहा हूँ भाई आपको। ठीक है, आप लिखना चालू कर दो। देखो सबसे पहले संविधान संशोधन आपका, सबसे पहले जो संविधान संशोधन है वो हुआ 21वां संविधान संशोधन। कौन सी भाषा जोड़ी? सिंधवी भाषा। 21वां सिंधवी भाषा जोड़ी गई। ठीक है जी, फिर होता मेरे भाई 31वां संविधान संशोधन, 71वां। ठीक है जी, इसमें आप कौन कौन सी जोड़ी गई? देखो एक तो मणिपुरी, ठीक है, एक कोकणी, एक नेपाली,
ठीक है। पहला हुआ 21वां संविधान संशोधन, कौन सी भाषा जुड़ी, सिंधवी भाषा, ठीक है। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन, कौन सी भाषा जुड़ी, मणिपुरी, कोकणी और नेपाली, तीन भाषा जुड़ गई। अच्छा जी, फिर होता भैया कौन सा, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन और कुछ भाषा जुड़ी, तो चार तो जुड़ गई, चार और जुड़नी है, तो यहां जुड़ी आपकी, ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। याद रखिए चार भाषा, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, याद कैसे हो मैं? एक एक लिख सु कर लो, मेथी बोडो, कोई दिक्कत ना हो। मे मतलब मैथिली, थे मतलब संथाली, बो मतलब बोडो, डो मतलब डोगरी, होगी जी सारी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट हम कर बिल्कुल कर चल रहे हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना छोड़ेंगे, ठीक है भाई। अच्छा जी, 21वां संविधान, अब तीन संविधान संशोधन याद रखियो, 21वां, 71वां, 21वां, 71वां और 92वां। भैया 21वें में भाषा जोड़ी गई सिंधवी, 71वें में भाषा जोड़ी गई ही आपकी मणिपुरी, नेपाली, कोकड़ी और भाई मेरे 92वां संविधान संशोधन हुआ और तब जो भाषा जोड़ी गई ही वो जोड़ी गई आपकी कौन सी, एक तो संथाली, एक डोगरी, एक बोडो और एक आपकी मैथिली, क्लियर है। अभी ऐसे करके आज हमारी सूची, जो हमारी आठवीं सूची है, वो हम 22 भाषाओं का जिक्र है, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर। अब ये संविधान संशोधन कब कब हुए हैं, देखो लिखवाने को मैं लिखवा दूंगा लेकिन ज़्यादा जरूरत ना है आपको, ठीक है। एक आपका 21वां संविधान संशोधन 67 में हुआ, 92वां और 2003 में हुआ, लेकिन एक जरूरत ना यार, ये जरूरी है कि संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब थोड़े से आगे चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 350 क्या है कि प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक भाषा हिंदी में दी जानी चाहिए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, प्राथमिक भाषा पर हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, यानी प्राइमरी शिक्षा हिंदी में दी जानी चाहिए, आर्टिकल 350। आर्टिकल 351 यह बात कहवे है कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। आप लिख सकते हो आर्टिकल 350 क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पर हिंदी में शिक्षा दी जानी चाहिए। आर्टिकल 351 क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, ठीक है, भारत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और संसद की भाषा के संबंध में एक नियम है, ठीक है। तो याद रखिए, अभी इसमें लिख रहा है कि संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। इसका मतलब है कि जब तक, ठीक है, एक, ठीक है, यानी HC, SC और आपकी संसद की भाषा के बारे में क्या लिखा गया है हमारे नोट्स में, हमारे नोट्स कहते हैं कि जब तक संसद कोई नियम न बना देवे, जब तक हमारी संसद कोई फिक्स नियम न बना देवे, ठीक है, या कोई प्रावधान पारित, कोई बिल पारित न कर देवे, तब तक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और दोनों संसद का मतलब है विधानमंडल और संसद में, ठीक है, जितनी भी कागजी कार्यवाही है सारी इंग्लिश में होगी, याद रखिए, याद है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे एक बात अच्छी बोली गई है, ठीक है, इसे याद रखियो, ठीक है। देखो भाई, इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ फिर अपनी भाषा में, ठीक है। संविधान के आरंभ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ तो यूँ कह दी गई कि हम एक काम करेंगे, 50 को लागू हुआ कि हम 65 तक
ठीक है, अंग्रेजी भाषा का ही यूज करेंगे। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 संसद ने पारित करो और यू बात बोल दी कि संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अब अनिश्चित काल तक होगा। अनिश्चित मैंने पता ना कब तक, जब तक संसद चाहे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पुटअप हो सके उसे पकड़ियो। सबसे पहला क्वेश्चन तो कि भारत में राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1963 में पारित हुआ, क्योंकि संविधान लागू होने पर 50 में कह दी ही कि हम भाषा है 1565 तक ले जाएंगे, लेकिन 1963 में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ और वहां ने कह दी कि जब तक कोई नियम ना बनेगा अब आगे तक इंग्लिश चलेगी, ना पता कब तक चलेगी इंग्लिश। बात आ रही है समझ में? ठीक है, बात पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कट बात करके चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और राजभाषा हिंदी है इतनी हमें पता ही है, ठीक है। आर्टिकल सारे हो गए, आगे चलते हैं। अब कुछ राजभाषा से संबंधित, देखो भाई हिंदी बोलो, हिंदी विश्व में बोले जाने वाली आप ये मान कर चलो तीसरी भाषा है, क्योंकि इसमें बोला गया कि पहले नंबर पर, ठीक है, पहले नंबर पर अंग्रेजी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर चाइना की मंदारिन बोली जाती है और तीसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है। मैंने कहीं कहीं एग्जाम में पहले नंबर मंदारिन भी पढ़ा है, तो भाई क्लियर मैं आपको बता दूं, मंदारिन हिंदी और इंग्लिश, भाई क्लियर कर लिया, ठीक है, क्लियर कर लिया कि पहले नंबर पर अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर मंदारिन चाइना की और तीसरे नंबर पर हिंदी, ठीक है, क्लियर बात है। अच्छा जी, इसमें बोला है कि 1977 में पहली बार, 1977 में पहली बार अटल ने एज ए विदेश मंत्री यूएनओ की महासभा को संबोधित किया था, वो भी हिंदी में। क्वेश्चन बन सका यू, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपना भाषण हिंदी में दिया था, ठीक है, तो उनका नाम है जी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, एक नाम आगा अटल बिहारी वाजपेयी, क्लियर अभी बात आ रही होगी सुनने, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और आर्टिकल अभी, ठीक है, आर्टिकल, एक आर्टिकल है मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 क्या कह रहे हैं कि संसद में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश चलती है, यदि स्पीकर चाहे तो किसी सांसद को उसकी मातृभाषा में भी बोलने की आज्ञा दे सकता है। मेरी बात गौर से सुनिए, आर्टिकल 120 क्या, आर्टिकल 120 कह रहे हैं कि संसद में बोलने वाली, लिखित वाली भाषा तो इंग्लिश ही है, संसद में बोलने वाली भाषा, संसद में बात करने वाली भाषा जो है उसका जो जिक्र हो कर है वो सिर्फ या तो हिंदी में हो कर है, इंग्लिश में हो कर है, लेकिन स्पीकर यानी लोकसभा स्पीकर यदि चाहवे तो किसी भी सांसद है उसकी अपनी भाषा में बोलने के लिए आज्ञा दे सकता है। आर्टिकल 120 यह बात है, मैंने चीजें नोट डाउन कर ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिकल 121 क्या बात है कह रहे, आर्टिकल 121, ठीक है, आर्टिकल 121, 121 संसद कोई कनेक्ट ना करे, नहीं जरूरी नहीं है, आप 120 याद रखिए भाई, ठीक है। तो भाई ये छोटा सा टॉपिक है भाषा ने लेके, चीज़ें और कोशिश कर रहा हूँ आपकी चीज़ समझ में आई होंगी, एक बार फिर से ले लूँगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में, भैया रिवाइज करिए, तब संविधान के कौन से भाग में राजभाषा को बताया गया है? भाग 17 में बताया, ठीक है जी। संविधान की कौन सी अनुसूची में भारत की राजभाषाओं का जिक्र है? सूची 8 में जिक्र है, बिल्कुल सही है। संविधान के कौन से आर्टिकल राजभाषा से संबंधित है? 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है, ठीक है जी। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जिसे लिखने की स्टाइल देवनागरी होगी, लिखने की लिपि देवनागरी होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आर्टिकल 344 क्या बात है? आर्टिकल 344 यह बात है कह रहे है कि भारत में यदि राष्ट्रपति चाहे तो भाषा आयोग बना सकता है,
ठीक है, क्लियर है अभी। तो बताइए भारत में सबसे पहले भाषा आयोग कब बनाया गया? भैया 1955 में बनाया गया। भारत में सबसे पहले राजभाषा आयोग जो 1955 में बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष बीजी खरे। कैसे ही कर लो, मतलब हमें तो याद करना यार, कोई थोड़ी है, ऑप्शन देख लेंगे। आगे चलते हैं जी, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ तो तब बताइए सूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? बताओ 14 भाषाएं हैं, ठीक है जी। बाकी 8 बाद में जुड़ेगी। अच्छा जी, उन 3 संविधान संशोधनों को बताइए जिनमें भाषाएं जोड़ी गई थी, बताओ जी। पहला 21वां, दूसरा 71वां, तीसरा 92वां। क्लियर है अभी? अच्छा जी, अब क्वेश्चन ऐसा बन सके कि सिंधवी भाषा कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो सिंधवी, फिर से कह रहा है, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधवी भाषा जोड़ी गई ही, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन के तहत आपकी कौन सी भाई, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जोड़ी गई ही। और यार 92वें संविधान संशोधन के तहत आपकी मैथिली, संताली और आपकी बोडो डोगरी जोड़ी गई ही, ठीक है। बिल्कुल जी, ये भी याद है, ठीक है। आर्टिकल 350 क्या कहता है? आर्टिकल 350 की भारत की प्राइमरी एजुकेशन हिंदी में होनी चाहिए। आर्टिकल 351 क्या कहता है? आर्टिकल 351 कहता है कि भारतीय के लोग या नागरिक हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आगे चलते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद लेके हिंदी के क्या विचार हैं? भैया मैं बताऊँ क्या विचार हैं। पहली बात तो यूँ है कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और संसद के सारे लिखित कार्य हैं सारे इंग्लिश में होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब बात करें संसद के स्पीकर की, तो भाई स्पीकर की बात करें तो स्पीकर चाहे तो दे सके भाषण, बुलवा सके किसी हिंदी में, बाकी तो आपके वही फिर जो जिसमें हिंदी या इंग्लिश चलेगी भाषण में, ठीक है। आपने देखे भी जो कौन पे लगाए रखे हैं संसद में, ठीक है। अच्छा, बात अब फिर आती है मंदारिन, हिंदी, इंग्लिश, यार इसे क्लियर कर लिया, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइया कि पहले नंबर पर जब मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, ठीक है, विश्व की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा इंग्लिश है या मंदारिन है? अब यदि मंदारिन है तो दूसरे नंबर पर हिंदी है, और यदि इंग्लिश है तो तीसरे नंबर पर फिर हमारी हिंदी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं फिर, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताइए। भैया अटल बिहारी वाजपेयी तो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले यूएन में जाके हिंदी में भाषण दिया हो। आर्टिकल 120 क्या कहता है? आर्टिकल 120 वही बात है, कहे कि जनसद जब तक स्पीकर ना चाहे कोई भी भाषा में बोल सके अपना। तो यूरो छोड़ी यूरी एक छोटी सी वीडियो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। जो क्वेश्चन बन सके हैं मैंने वे क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं, मेन क्वेश्चन है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखो मैं आपको बताऊँ तो जीके करने का तरीका और करें, ये होगी ना होगी सारी बात आपकी क्लियर होगी ना होगी भी क्लियर, बताओ कोई दिक्कत है? रटने से फायदा क्या? अरे ऐसे डिस्कस करो हमारी गैल बैठ के, हमारे भी याद होंगी चीज़ें, तुम्हारे भी याद होंगी, नहीं समझे भी, ठीक है। तो भाई मिलते हैं फिर कल। अच्छा, कल वीडियो बनाने के लिए लाइक और भाई कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें, अच्छी लगी हो तो, गलत लगी हो जैसे भी हो, गलत लगी हो डिसलाइक करो, अच्छे लगो लाइक करो, और कुछ ही सीखने को मिला ही होगा तो मैं थोड़ा बहुत तो जरूर, ठीक है। तो भी ईमानदारी से लाइक करो, चलो मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।